मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होने के 12 घंटे के भीतर ही 12 बच्चों ने अपनी जान दे दी। इस सब के बीच राज्य सरकार ने अव्वल आने वाले कई छात्रों को मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया, लेकिन इस समारोह की चमक दमक में यह बात नहीं बताई गई कि इस साल के 10वीं 12वीं के नतीजे पिछले साल की तुलना में खराब रहे। मुख्यमंत्री बस ये कहते रहे कि जो बच्चे पास नहीं हुए हैं उनके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है रुक जाना नहीं। नाम से तो योजना अच्छी लगती है, लेकिन अनुराग द्वारी कहते हैं कि इसके तहत वो ओपन बोर्ड से परीक्षा देकर पास हो सकते हैं इस योजना के तहत। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि पिछले साल 60,000 बच्चों को नतीजों के लिए नवंबर तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उनका पूरा साल ही खराब हो गया। मध्य प्रदेश की जो सरकार बीते 5 महीने में 3,000 किलोमीटर नर्मदा की परिक्रमा कराई, वो मंत्रालय से 1.5 किलोमीटर दूर शिक्षा विभाग से वो फाइल नहीं मंगा पाई जिसमें छात्रों के बीच आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने से जुड़ी रिपोर्ट मार्च से धूल खा रही है। बल्कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए और अपने छात्रों से पूछना चाहिए कि पास होने वाला भी जिंदगी में फेल हो जाता है, वो फेल होने पर अपनी जान क्यों दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने इस पूरे मामले पर जानकारी जमा की है कि आखिर मध्य प्रदेश में बच्चों के मामा यानी मुख्यमंत्री क्यों नहीं रोक पा रहे हैं नतीजों के बाद खुदकुशी का सिलसिला। माँ बिलखती है, जबान लड़खड़ाने लगती है, कुछ कहना चाहती है बेटे से, नानी ढाढ़स देना चाहती है लेकिन टीस रुकती नहीं। एक्सेलेंस स्कूल में 12वीं में अपने बेटे के आई कार्ड को देखती रहती है। 12वीं में नमन को 74.4% अंक आए, 3 विषयों में डिस्टिंक्शन भी था, लेकिन उम्मीद 90% की थी। उम्मीदों के बोझ तले घर लौटा, निजी अस्पताल में नर्स माँ और पिता काम पर गए थे, उसने जहर के इंजेक्शन से खुदकुशी कर ली। 91 उतने नहीं आए, तो इसी के लिए परेशान तो नहीं था। उसने जाहिर नहीं होने दिया, दोस्तों के साथ में दोस्तों को भी भगाया, जो नहीं जा रहा था एक दोस्त था उसको अपनी गाड़ी दी कि मेरी गाड़ी लेके जा, और उसने उसको जाने को कहा और वो अकेला गेट दोनों गेट बंद करके अंदर। प्रिय भांजे और भांजियों नमस्कार, 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आने वाले हैं, शुभकामनाएं। परिणाम अगर अपेक्षानुसार ना भी आए तो चिंता मत करना, निराश मत होना, हताश मत होना। अरे क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अगर आज अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं आए तो कल फिर मेहनत करेंगे, कल फिर प्रयास करेंगे, कल फिर सफलता मिलेगी, मैं आपके साथ हूँ। मामा ने नतीजों से पहले भांजे भांजियों को संबोधित किया, लेकिन शायद नमन और मध्य प्रदेश के भिंड में 12वीं के छात्र तपश मिहोलिया जैसे कई बच्चों ने इसे नहीं सुना। तपश पिछले साल 12वीं में फेल हो गया था, इस बार उम्मीद अच्छी थी लेकिन वो पास नहीं हुआ। परिजन शादी में गए थे, सुनसान घर में वो पंखे से झूल गया। नतीजों के ऐलान के 12 घंटे के अंदर 12 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। 12वीं का रिजल्ट आया था तो वो बताया उनके माता पिता ने कि वो 2 विषयों में फेल हो गया था, इस वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। भोपाल में सरकार ने 174 बच्चों को नतीजों से पहले रिजल्ट बताकर बुलाया, खूब तामझाम हुआ, लेकिन हकीकत में पिछले साल के मुकाबले इस साल 10वीं में रिजल्ट 3.9% गिरा, जबकि 12वीं में 1.4%। सरकार ने ऐलान भी कर दिया छात्रों की तरह रिजल्ट के लिए शिक्षकों की उपस्थिति को भी पैमाना माना जाएगा। पहले 70% से जो कम अटेंडेंस होती थी वो बच्चे क्लास में नहीं बैठते थे, लेकिन टीचर्स की अटेंडेंस पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब हमने ये निर्देश जारी कर रहे हैं, आज घोषणा करी CM ने, 70% से अगर कम उपस्थिति टीचर की हुई स्कूल में तो उसे तनख्वाह नहीं दी जाएगी। लेकिन हकीकत में पिछले 5 साल में 1,000 नए स्कूल मध्य प्रदेश में खोले गए, जरूरत 20,000 शिक्षकों की थी, लेकिन 2011 के बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, जो आए वो भी सिर्फ संविदा पर। इस दौरान 1500 शिक्षक रिटायर भी हो गए। फिलहाल राज्य में शिक्षकों के 1,40,000 पद खाली हैं। जो बचे हैं उनसे कुंभ में ड्यूटी, ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, ओपन बोर्ड मूल्यांकन, समग्र ID मैपिंग जैसे कई सरकारी काम कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने CM हाउस में बच्चों को सम्मानित कर सुर्खियां तो बटोर ली, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 5 साल में 1,000 करोड़ खर्च करने पर भी 684 बच्चों ने खुदकुशी क्यों की।
छात्रों के बीच आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने संबंधी गठित कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, सिर्फ रुक जाना नहीं जैसी योजना का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में किया। जो बच्चे मेरिट में आए जो उत्तीर्ण हुए मैं उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन जैसा विजय जी ने कहा है कि अपेक्षानुसार अगर किसी के परिणाम नहीं आए हो तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, जिस रुक जाना नहीं योजना का जिक्र कर रहे थे उसके तहत 12वीं में एक से ज्यादा विषय में फेल और 10वीं में दो से ज्यादा विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों को बिना साल खराब हुए परीक्षा पास करने के लिए 2016 से अवसर दिया जा रहा है। परीक्षा ओपन स्कूल कराता है। साल भर पहले शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट को समझने हम भी ओपन स्कूल के दफ्तर पहुंचे। पता लगा पिछले साल 60,000 विद्यार्थियों का नवंबर 2016 तक दूसरे चरण की परीक्षा का मूल्यांकन तक नहीं हुआ। परीक्षा सितंबर में आयोजित हुई थी, छात्रों का पैसा भी बर्बाद हुआ, साल भी। संचालक ने माना योजना कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट नहीं है, इसमें भी वही पेपर सेटर्स रहते हैं जो सामान्य बोर्ड में होते हैं, कॉपी जांचने वाले भी वही लोग रहते हैं जो उन बोर्ड में कॉपी जांचते हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई उससे कम दर्जे का है सामान्य बोर्ड से, इसकी बराबर विश्वसनीयता है और हम ये लगातार प्रयासरत हैं। कुल मिलाकर जब 60,000 विद्यार्थी साल भर रुक जाएं तो ऐसी योजनाओं पर, सरकारी नीतियों पर दोबारा सोचने की जरूरत है। इस तरह के उत्कृष्ट विद्यालय बन गए, शिक्षा पर हजारों करोड़ खर्च करने का दावा हुआ, रुक जाना नहीं जैसी योजनाएं चलाई गई, फिर भी मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में छात्रों के बीच आत्महत्या 240% की दर से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर सुर्खियां तो बटोर ली, लेकिन इस सवाल से कन्नी काटते दिखे कि आखिर क्यों पिछले एक साल में ही 684 छात्रों ने आत्महत्या की है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। क्यों दे रहे हैं, हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने इस पूरे मामले पर जानकारी जमा की है कि आखिर मध्य प्रदेश में बच्चों के मामा यानी मुख्यमंत्री क्यों नहीं रोक पा रहे हैं नतीजों के बाद खुदकुशी का सिलसिला। माँ बिलखती है, जबान लड़खड़ाने लगती है, कुछ कहना चाहती है बेटे से, नानी ढाढ़स देना चाहती है लेकिन टीस रुकती नहीं। एक्सेलेंस स्कूल में 12वीं में अपने बेटे के आई कार्ड को देखती रहती है। 12वीं में नमन को 74.4% अंक आए, 3 विषयों में डिस्टिंक्शन भी था, लेकिन उम्मीद 90% की थी। उम्मीदों के बोझ तले घर लौटा, निजी अस्पताल में नर्स माँ और पिता काम पर गए थे, उसने जहर के इंजेक्शन से खुदकुशी कर ली। 91 के ऊपर चाहिए थे, उतने नहीं आए, तो इसी के लिए परेशान तो नहीं था। उसने जाहिर नहीं होने दिया, दोस्तों के साथ में दोस्तों को भी भगाया, जो नहीं जा रहा था एक दोस्त तो उसको अपनी गाड़ी दी कि मेरी गाड़ी लेके जा, और उसने उसको जाने को कहा और वो अकेला गेट दोनों गेट बंद करके अंदर। प्रिय भांजे और भांजियों नमस्कार, 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आने वाले हैं, शुभकामनाएं। परिणाम अगर अपेक्षानुसार ना भी आए तो चिंता मत करना, निराश मत होना, हताश मत होना। अरे क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अगर आज अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं आए तो कल फिर मेहनत करेंगे, कल फिर प्रयास करेंगे, कल फिर सफलता मिलेगी, मैं आपके साथ हूँ। मामा ने नतीजों से पहले भांजे भांजियों को संबोधित किया, लेकिन शायद नमन और मध्य प्रदेश के भिंड में 12वीं के छात्र तपश मिहोलिया जैसे कई बच्चों ने इसे नहीं सुना। तपश पिछले साल 12वीं में फेल हो गया था, इस बार उम्मीद अच्छी थी लेकिन वो पास नहीं हुआ। परिजन शादी में गए थे, सुनसान घर में वो पंखे से झूल गया। नतीजों के ऐलान के 12 घंटे के अंदर 12 बच्चों ने खुदकुशी कर ली। 12वीं का रिजल्ट आया था तो वो बताया उनके माता पिता ने कि वो 2 विषयों में फेल हो गया था, इस वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। भोपाल में सरकार ने 174 बच्चों को नतीजों से पहले रिजल्ट बताकर बुलाया, खूब तामझाम हुआ, लेकिन हकीकत में पिछले साल के मुकाबले इस साल 10वीं में रिजल्ट 3.9% गिरा, जबकि 12वीं में 1.4%। सरकार ने ऐलान भी कर दिया छात्रों की तरह रिजल्ट के लिए शिक्षकों की उपस्थिति को भी पैमाना माना जाएगा। पहले 70% से जो
कम अटेंडेंस होती थी, वो बच्चे क्लास में नहीं बैठते थे, लेकिन टीचर्स की अटेंडेंस पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब हमने ये निर्देश जारी कर रहे हैं, आज घोषणा करी सीएम ने, 70% से अगर कम उपस्थिति टीचर की हुई स्कूल में तो उसे तनख्वाह नहीं दी जाएगी। लेकिन हकीकत में पिछले 5 साल में 1000 नए स्कूल मध्य प्रदेश में खोले गए। जरूरत 20,000 शिक्षकों की थी, लेकिन 2011 के बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, जो आए वो भी सिर्फ संविदा पर। इस दौरान 1500 शिक्षक रिटायर भी हो गए। फिलहाल राज्य में शिक्षकों के 1,40,000 पद खाली हैं। जो बचे हैं उनसे कुंभ में ड्यूटी, ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, ओपन बोर्ड मूल्यांकन, समग्र आईडी मैपिंग जैसे कई सरकारी काम कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में बच्चों को सम्मानित कर सुर्खियां तो बटोर ली, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि 5 साल में हजारों करोड़ खर्च करने पर भी 684 बच्चों ने खुदकुशी क्यों की। छात्रों के बीच आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने संबंधी गठित कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, सिर्फ रुक जाना नहीं जैसी योजना का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में किया। जो बच्चे मेरिट में आए हैं, जो उत्तीर्ण हुए, मैं उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन जैसा विजय जी ने कहा है कि अपेक्षानुसार अगर किसी के परिणाम नहीं आए हो तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, जिस रुक जाना नहीं योजना का जिक्र कर रहे थे उसके तहत 12वीं में 1 से ज्यादा विषय में फेल और 10वीं में 2 से ज्यादा विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों को बिना साल खराब हुए परीक्षा पास करने के लिए 2016 से अवसर दिया जा रहा है, परीक्षा ओपन स्कूल कराता है। साल भर पहले शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट को समझने हम भी ओपन स्कूल के दफ्तर पहुंचे। पता लगा पिछले साल 60,000 विद्यार्थियों का नवम्बर 2016 तक दूसरे चरण की परीक्षा का मूल्यांकन तक नहीं हुआ। परीक्षा सितंबर में आयोजित हुई थी, छात्रों का पैसा भी बर्बाद हुआ, साल भी। संचालक ने माना योजना कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट नहीं है, इसमें भी वही पेपर सेटर्स रहते हैं जो सामान्य बोर्ड में होते हैं। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होने के 12 घंटे के भीतर ही 12 बच्चों ने अपनी जान दे दी। इस सब के बीच राज्य सरकार ने अव्वल आने वाले कई छात्रों को मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया, लेकिन इस समारोह की चमक दमक में यह बात नहीं बताई गई कि इस साल के 10वीं 12वीं के नतीजे पिछले साल की तुलना में खराब रहे। मुख्यमंत्री बस ये कहते रहे कि जो बच्चे पास नहीं हुए हैं उनके लिए सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है रुक जाना नहीं। नाम से तो योजना अच्छी लगती है, लेकिन अनुराग द्वारी कहते हैं कि इसके तहत वो ओपन बोर्ड से परीक्षा देकर पास हो सकते हैं इस योजना के तहत। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि पिछले साल 60,000 बच्चों को नतीजों के लिए नवंबर तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उनका पूरा साल ही खराब हो गया। मध्य प्रदेश की जो सरकार बीते 5 महीने में 3,000 किलोमीटर नर्मदा की परिक्रमा कराई, वो मंत्रालय से 1.5 किलोमीटर दूर शिक्षा विभाग से वो फाइल नहीं मंगा पाई जिसमें छात्रों के बीच आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने से जुड़ी रिपोर्ट मार्च से धूल खा रही है। बल्कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए और अपने छात्रों से पूछना चाहिए कि पास होने वाला भी जिंदगी में फेल हो जाता है, वो फेल होने पर अपनी जान